ब्रेकिंग न्यूज आपको दे, बीजेपी डांसिंग टू विक्ट्री इन मध्य प्रदेश, लुकिंग एक्सट्रीमली स्ट्रांग इन राजस्थान एंड ऑल्सो नाउ इन छत्तीसगढ़ इन अ वेरी कंफर्टेबल लीड। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। सो इट मीन्स के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। मोदी आ गया और छा गया, लेकिन अब ये हकीकत है, ये सच में हो गया है। अब वो जो वो बेसिकली वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के भी कुछ शायर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है हमारा। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी चार जातियां है, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन चार जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर चार का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। ओके, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो कि बहुत फेमस हैं, ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब हमारे मीडिया वाले या हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे यूट्यूबर्स मोदी जी के बारे में बात ना करते हो। जो चीज समझ आती है कि कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना रह गया है, बाकी हर जगह जिसे कहते हैं ना मोदी साहब स्वीप कर गए। आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटे राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो ऐसे तमाम राष्ट्रीय, ऐसे तमाम क्षेत्रीय नेताओं के लिए एक सबक है जो राष्ट्रीय नेता बनने का सपना देख रहे थे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज चैनल। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर बड़ा बहुमत हासिल करती दिख रही है। राजस्थान में भी बीजेपी 5 साल बाद फिर सत्ता में वापसी करती नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का पिछला चुनाव के मुकाबले इस बार बेहतर प्रदर्शन दिख रहा है। अब तक के ट्रेंड देखे तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने जा रही है, छत्तीसगढ़ में मामला फंसता दिख रहा है। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी का इस प्रदर्शन से एक बार फिर ब्रांड मोदी चमका है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी चुनाव के लिए टिकट तो कई महीने पहले ही बांट दी थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर का चेहरा किसी भी राज्य में घोषित नहीं किया। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेहरे पर ही चुनाव लड़ा और उसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मोदी की जीत को लेकर डर का माहौल छाया हुआ है। पाकिस्तान का मानना है 2024 में अगर मोदी सरकार आते हैं तो पूरा कश्मीर भारत के हाथ चला जाएगा। और कुछ दिन पहले पाकिस्तान के फॉर्मर एनवॉय जामीर अकरम कह रहा था मोदी दूसरी बार बालाकोट एयर स्ट्राइक कर सकता है, पाकिस्तान को वर्ल्ड के सारे फोरम में टेररिस्ट कंट्री घोषित कर देगा। आगे देखते हैं वीडियो में तीन राज्यों में बीजेपी के जीतने को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। इस वक्त बहुत सारे लोग भारत के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनको वॉच कर रहे हैं, और जो चीज़ समझ आती है कि कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना रह गया है, बाकी हर जगह जिसे कहते हैं ना मोदी साहब स्वीप कर गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस के पास 63 हैं, वहाँ पे राजस्थान में 115 जो सीट्स हैं उनके पास आई हैं, कांग्रेस के पास 70 हैं। सो इट मीन्स के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। तो मोदी साहब जो हैं वो लॉट ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, ही हिमसेल्फ इज़ अ कंपेन, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि मोदी साहब की जो बीजेपी की कंपेन है उसमें दे हैव रीच टू द वुमेन। वो अपोजिशन में जो फेस है बड़ा वो तो राहुल गांधी साहब हैं, जब इतने ज़्यादा पार्टीज इकट्ठी हों तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रन द सिस्टम, ठीक है, मुल्क को वो चलाना उस वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोदी साहब जो हैं वो इस वक्त आप समझे कि ही इज़ बैक इन पावर, वो पावर में दोबारा आ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी 30 साल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 साल वहाँ पे और 15 साल मरकज में, अगर वो कर जाते हैं तो इंडिया इज गोइंग ऑन अ डिफरेंट लाइन। सो इट मीन्स के नरेंद्र मोदी के जो फुटप्रिंट्स हैं दे आर इन द एंटायर कंट्री। वो जो हिंदू हिंदी हार्टलैंड था ये सिर्फ वहाँ से आगे निकल गया है।
अगर वो हिंदी हिंदू हार्डलैंड से आगे निकल गया तो फिर जारी बात है दैट इज अ सेटबैक फॉर एवरी प्लेयर इन इंडिया एंड ही हैज उनका एक कंट्रोल जो है वो अपनी सियासत के ऊपर भी है, उनका कंट्रोल मज़हब के ऊपर भी है, उनका कंट्रोल जो है यूथ के ऊपर भी है, उनका कंट्रोल जो है वो पता चलता है कि बाकी जो जो फैक्टर्स हैं जितने भी वो उनको उसकी समझ है कि भाई हमने यहाँ पे कैसे चीजों को लेके चलना है। आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटे राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाए। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है, अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो जीपीओ वाला खेल आने वाला देखेगा। ये कुछ राज्यों ने अपनाया है वो उनका तो तबाह कर देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। अब देश अब कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। ये देश आज दुनिया में उनको कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं है, ये मुसीबतों से गुजर रहे हैं। मैं राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दलों के विषय में एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, आप ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले और आज अपना मौज कर ले और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़ के चले जाए, ऐसा करके न जाए। लेट्स सी, यहाँ पे पाकिस्तान के लिए मैनी पीपल सेइंग दैट इट्स नॉट अ गुड न्यूज। आई बिलीव के पाकिस्तान शुड नॉट लुक व्हाट इंडिया विल हैव और व्हाट मोदी विल हैव। आई थिंक पाकिस्तान शुड गेट साइलेंट, पाकिस्तान को खामोश हो जाना चाहिए, पाकिस्तान को अपने पे काम करना चाहिए, इकॉनमी ठीक करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे फोकस करें, इंटरनल यूनिटी पे फोकस करें, ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन की हम बात करते हैं उस पे करें, फोकस करें। हमें थोड़ा इंटरनल चीज़ें करने की ज़रूरत है। अभी भाग के इंडिया के पास या बाकी दुनिया के पास जाके हमें वी विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। और जितना प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रांग है, आई एम वेरी मच ईगर टू सी कि वो नवाज शरीफ से कैसे मिलेगा। नवाज शरीफ के साथ अगर वो दुनिया के किसी फोरम पे जाता है, इन माय अंडरस्टैंडिंग वो नवाज शरीफ से मिलेगा, क्योंकि नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म आता है तो वो मिलेगा। दैट इज़ व्हाट आई थिंक द एस्टैब्लिशमेंट वांट्स इन पाकिस्तान। लेकिन मूव ऑन करना, इट विल बी अ चैलेंज। लेकिन नवाज शरीफ, लेट हिम कम इन पाकिस्तान व्हेन ही वांटेड टू कम, जब वो अफगानिस्तान से उधर जा रहे थे। लेकिन आज के का नवाज शरीफ कैसे उनको वेलकम कर सकता है या क्या कर सकता है, ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेकिन अगर नवाज शरीफ होते हैं, वापस आते हैं, मोदी साहब वापस आते हैं दोबारा, तो आई फाइंड अ वे आउट, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। मोदी साहब कुछ ना कुछ ज़रूर उसको स्पेस देगा। एंड मेरा ख्याल है कि बहुत सारे पाकिस्तानी तो इस वक्त ये कहते हैं कि हमें ट्रेड करनी चाहिए इंडिया के साथ। येस, आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द ट्रेड, बट ए लो लेवल पे। हाई लेवल पे पॉलिटिकल डायलॉग शो ना कराएं, नीचे लेवल पे अगर कुछ करना है तो करें। इफ़ इंडिया एंड पाकिस्तान दे रियली वॉन्ट टू मूव ऑन, हम ज़्यादा बड़ी ऑप्टिक्स दिखा लेते हैं, नीचे कुछ नहीं होता। ऊपर वाली ऑप्टिक्स दिखाने से नुकसान ये होता है कि वो उसको फिर हम उसी को याद करते रहते हैं, नीचे कोई डेवलपमेंट्स हुई नहीं होती तो बस वो बबल्स ही होती। बट लेट्स, ये बड़ी दूर की बात है, लेकिन बीजेपी सब जीत गया, सो गेट रेडी, ही इज़ कमिंग एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज ही इज़ रनिंग विद बिग मार्जिन, बड़े मार्जिन से जीत रहा है, छोटे मार्जिन से नहीं जीत रहा।